बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी फिल्म की। अच्छा हाँ, लड़की के साथ ना लड़का धोखा करता है, फिर बाद में लड़की इंतकाम किताब लिखती है। हमने तब्दीली की हुकूमत को 3.5 साल। रेहान जी एक बात बताइए, जो फिल्म आप बना रही हैं, कब वो मौका आएगा, हम कब तक देख पाएंगे इस फिल्म को, किस स्टेज पे है ये? सो अभी शूटिंग नहीं हुई, स्क्रिप्टिंग की है हमने, बहुत लिखी आपने खुद है? मैंने लिखी काफी खुद है, और कुछ आपको पंजाबी लिखनी आती है? नहीं, मुझे लिखने से मुराद मैं रोमन में लिखती हूँ। लव स्टोरी? इट्स अ लव स्टोरी, ऑब्वियसली एनीथिंग दैट आई डू विल बी अबाउट लव, आई एम अबाउट लव, तो मोहब्बत की स्टोरी है। और मोहब्बत का क्या मतलब है मुख्तलिफ लोगों के लिए, इट्स अ सीरियस फिल्म अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि आपको, क्योंकि मोहब्बत आपको पता है कि एक जर्नी है, एक जर्नी फिज़िकल भी आप देखेंगे उसमें, कि जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो लोकेशंस हैं सारी पाकिस्तानी लोकेशन होगी उसमें। आप खुद प्रोड्यूस करेंगे? जी मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, और मे बी यू विल सी मी इन अ डायरेक्टोरियल रोल आल्सो दिस टाइम। बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी फिल्म की। अच्छा हाँ, लड़की के साथ ना लड़का धोखा करता है, फिर बाद में लड़की इंतकाम किताब लिखती है। नहीं नहीं जी, मेरी जो मोहब्बत की कहानी जो मैंने लिखी है उसमें लड़का बहुत लॉयल है, और लड़की जो है वो बाहर से आई है, लेकिन उसकी जो कहानी है उसको सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, और पंजाबी में मिलती है। ओके तुसी देख लो जड़ी गल मैं कीती सी, कुड़ी बाहरों आंदी है। कुड़ी बाहरों आई है लेकिन कुड़ी पंजाब दी होके रह गई। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी फिल्म को आस्कर, अगर आप चाहती हैं कि आपका ऑडिशन कैंसिल ना हो, तो आप इधर ही रुक जाएं। अच्छा ये बताइए, घर में एक हिस्सा होता है उसे कहते हैं किचन, जी जी वहाँ जाती हैं? बहुत अरसा हुआ अब नहीं गई, अब अगर हमारी जो छोटी साहबजादी हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करें, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हाथ के खाने के अलावा नहीं खाते, तो लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि काम की मसरूफियत होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को 12-1 बजे भी वापस आएँ, और आगे से कोई रोता धोता हुआ बैठे हैं कि आपके हाथ का नहीं, ये आलू गोश्त आपके हाथ का नहीं है, तो फिर हमें बनाना पड़ता है। तो अच्छा, ऐसे कैसे हो सकते हैं एक फिल्म मेकर हो उसके पास म्यूजिक सेंस ना हो? म्यूजिक तो आप सुनती होंगी? जी, बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती हूँ। कौन सा फेवरेट म्यूजिक है आजकल, क्या सुन रही हैं आप? मैं आजकल पसूरी बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, और जो जो खातून की आवाज़ है लड़की की बहुत ज़बरदस्त है, और आपका आपकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, और मैं ना तारीफ करती अगर मुझे वाकई अच्छी ना लगी होती। लेकिन डोंट वरी, हमें काट देंगे। ये क्यों काट देंगे, मैं दोबारा कह देती हूँ, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ थी, और 2-3 दफ़ा कह दूंगी इसको बिल्कुल ना काटें, इसलिए कह रहे थे साथ साथ फिल्म भी करके और हम अपने सोशल मीडिया पर लगा देंगे। आजकल हमने ये किया है कि अगर पाकिस्तानी टेलीविजन हमारे कॉमेंट्स नहीं चलाती तो हम साथ साथ सोशल मीडिया पर उसको देते हैं, बिल्कुल काटते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। थैंक यू। तो आपका ये कमेंट जो है ना सोशल मीडिया पे चलेगा। अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने तेरी पी जावा मैं पूरी नो अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने तेरी पी जावा मैं पूरी नो रावा च बावा च तैनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जताया दे तैनू खबर किवें खावे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। तू कहते नहीं जोगी, आपको फैशन के सेंस नहीं है? अच्छा जोगी बाबा कैसे हैं आप? है कोई सखी जो बाबों पे भी किताब लिख छोड़े? लिखे बाबों पे किताब आज एक की सफा होवे। एक पहले सफे तो जोगी शुरू होवे, ते जे 150 सफे दी किताब है ना ते एंड तक जोगी 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 जोगी। कैसे हैं आप? मैं दादर की धाम कर दिन ता ठाम। ये यार की दसा, आजकल मैं जरा ना पूरी एहतियात नाल टुर रहा, मैं थोड़े मुहतात होके चल रहा। क्यों? कुछ नकाब पोश अफराद मिले हैं मुझे। अच्छा फिर क्या हुआ आगे?
धमका लाया ना धमका क्या किया मुन्नू कहंदे नहीं जे अस्वरी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च दोबारा कीता ना ते तेरी जरूरत पैनी मैं कहा जी मैं की करना है कहंदे ने धरने च सप छड़ने महंगाई एंजॉय कर रहे वैसे आपस की बात है यार महंगाई एंजॉय करने वाली को बात है यार दर्द का हद से बढ़ जाना भी दवा हो जाता है मेरी जान आदत पाओ अपने आप नू हां जी रोज नहाना ना महीने बाद नहाना तू उनको आदत हो गई ना 3.5 साल से वो आदत डाल ही रहे महंगाई की तो अब तो आदत हो गई है मैं तेनू कहंदा था ना मेनू ना बुलाना वो महीने हो गए हैं किसी बहाने से ही कहना था ना कि इधर आओ आई नो आहिस्ता आहिस्ता सबको इधर ही आना पड़ेगा उधर से जाना पड़ेगा सबको पता है कि ये आते सारे जाते ना तुसी एको निकल जाते हो ये भी सही तुम्हारी गारंटी कौन देगा जो कि साधु संत फकीर हां बाबे पहुंचे बाबे बाय द वे कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बात सुनो जरा हमारे मेहमान से प्रैंक होने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारा काम है सांप निकालो और जाओ यार जो कि साधु संत फकीर हां बाबे पहुंचे बाबे हां बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं वैसे मैंने दो चीजों का बहुत दुख होया यार क्या मैंने उठे दो चीजों का बहुत अफसोस हुआ है मुझे दो वाकयात ऐसे हुए एक तो सिद्धू मूसे वाले के मरने का और दूसरा इमरान खान साहब की हुकूमत जान दा और यकीनन इन्हां नूं भी होया आपने आपने इतनी एक इतनी संजीदा नहीं एक बात बताओ इमरान खान जोड़ नहीं बनता जाने का मेनू तो होया इन्हां नूं भी होया क्यों हुआ रोज टीवी ते वेखना पैंदा ना हां साहब नूं ना चाहंदे आ भी वेखना पैंदा अच्छा अभी तक दिखा रहे क्यों अभी तक उनके आप लोगों ने 3.5 साल और बल्कि 3.5 साल नहीं उससे कितने 22 साल तो आपने दिखा दिखा के पूरी नस्लों को बर्बाद किया अब तो मुझे लगता है कि मुझे शहबाज साहब को ये मशवरा देना चाहिए कि हम देखें शहबाज साहब हैं टीवी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता सारा वक्त काम काम वैसे काम, तो काम ठीक है तुम्हारा मशवरा मान भी लेंगे क्योंकि जेड़ा इमरान खान दे मुहालत है ना ओदा मशवरा छेती मान लेना अच्छा नहीं नहीं आज तक तो नहीं माना मुझे तो लगता है कि वो काम में इतने मसरूफ हैं उनको टीवी पे टाइम देना चाहिए देखे ना ना उनके लिए वो लाइटिंग होती है जैसे खान साहब के लिए लाइटिंग होती है ना इतना ज्यादा एफर्ट्स होते हैं जिस तरह से अभी तक मतलब जो मोहब्बत है ना मोहब्बत तो फिर दा क्रिकेट दा कर देती है ना कर देती ठा कर देती है खान साहब समझता हूं मैं बात को बह गया शो मुझे पता लग रहा है खान साहब पता लग रहा है तेरी फ्रस्ट्रेशन तो मुझे समझ आ रही है कि मुझे इधर आ जाना चाहिए हां जी मुझे लग रहा है कि काशिफ साहब भी आपको वैसे ही बर्दाश्त करें जैसे हमने तब्दीली की हुकूमत को 3.5 साल बर्दाश्त